हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है स्टारलेट के बर्थडे का नेक्स्ट डे का मॉर्निंग व्लॉग, और यहाँ पे मम्मी बना रही है यम्मी सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। और आपके सारे विशेस पढ़ के हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने बर्थडे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा पसंद किया है, और जितने लोगों ने हमें कॉमेंट्स किया है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर विशिंग स्टारलेट। वी आर रियली ट्रूली ब्लेस्ड क्योंकि स्टारलेट को इतने सारे मैसेजेस मिले। तो यहाँ पर मम्मी सुबह सुबह बना रही है अड़ा। इसको साउथ इंडिया में, केरला में अड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये बेसिकली एक चावल का डिश है जिसको केले के पत्ते में, इसको अच्छे से चावल के आटे को गूंद के आप इसको अच्छे से फैलाते हैं। तो जैसे देख सकते हैं मेरी मम्मी इसको अच्छे से फैला रही है। फिर उसके अंदर ना जो गुड़ और नारियल का जो मिक्सचर है इसको इसके अंदर रखते हैं, फिर इसको बस इसको रैप कर लेते हैं, और उसके बाद इसको स्टीम करने रखते हैं। तो आप चाहिए तो स्टीमर के अंदर भी रख सकते हैं, पर केले के पत्ते के अंदर रखते तो एक पर्टिकुलर शेप आ जाता है। तो आप देख सकते हैं सारा जो गुड़ और नारियल का मिक्सचर था इसको मेरी मम्मी ने डाल दिया, और आप देख सकते हैं ऐसे फोल्ड कर दिया, और बस इसको स्टीमर में रख के स्टीम करके निकालना है। 15-20 मिनट स्टीम करना है, उसके बाद ही अच्छे से स्टीम हो जाएगा ना, तो एक हेल्थी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब, मैं और बच्चे तो थोड़ा थोड़ा इसको ट्राई करेंगे, पर मम्मी डैडी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला डिश। तो यही मम्मी सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बना रही थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे स्टार का बर्थडे डेकोरेशन की हालत ख़राब हो रही है, और साथ में जेवियर उसको तोड़ भी रहा है। जेवी कम यहाँ, और टूट रहा है। सो ये जेवियर ना बाद में इसके साथ खेल खेल के कुछ कुछ बलून्स को तोड़ दिया। जेवियर पहले तो ये नहीं खेल रहा था, अब खेल रहा है उसके साथ बलून्स के साथ, और उसको तोड़ भी रहा है। स्टार का बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। स्टार का क्या बोलते हैं, ट्यूशन्स था, ट्यूशन्स ख़त्म हो गया अभी, और ये एक एक करके तोड़ रहा है। तो फैन चालू है करके ये सारे सिकुड़ गए ना, ऐसे हो गए एकदम साथ में सिकुड़ गए। और कल मैं भूल गई स्टार का बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, तो आज मैं स्टार को उसका बर्थडे गिफ्ट दूंगी जो मैंने ऑलरेडी मंगा के रखा हुआ था। खोल के देखो, देयर इज इन द टैग। हां, टैग नहीं लिखा है उसमें, तो मुझे पता चल जाता है। सेवन बोल रहा जिराफ बुक। स्टार ने, स्टार को बर्थडे गिफ्ट मैंने दिया नहीं, कल भूल गई, तो इसीलिए मैं आज उसको दे रही हूँ बर्थडे गिफ्ट। क्योंकि कल मैं रात को मुझे याद आया स्टार के सोने के बाद कि मैंने उसको गिफ्ट ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने छुपा के रखा हुआ था। सेवन व्हाट इज दिस, जिराफ बुक है ये, इसको लग रहा है उसका गिफ्ट है। क्या है, मुझसे ऑयल पेस्टल्स मांगा था बर्थडे के लिए। मुझे लगा मम्मी ने 24 शेड मंगाया, पर ये कितने शेड्स है? 50। स्टार ने डॉम्स के ऑयल पेस्टल्स मांगे थे। हैप्पी? यस। हाउ मच? अ लॉट। नाउ आई कैन मेक मोर, शो मी। So, ये एक्चुअली फ्लिपकार्ट से मंगाया था, उसकी डिलीवरी आज दिखा रहा था, बट बाय फ्लू ये कल आ गया, बट फिर भी मैं उसको नहीं दे पाई, भूल गई मैं। जेवी, जेवी जस्ट खींचम खाची कर रहा है वो उसको। व्हाट इज दिस? अब जेवी जाके फिट कर रहा है। मम्मी जेवी ने खींच के निकाला, मैंने देखा नहीं कब आया। हाँ, मैंने देखा ही नहीं। खोल के तो दिखाओ कैसा है ये 50 शेड्स। आराम से खोलना, डब्बे में आया, अब डब्बे में ही रहना चाहिए ये। इधर उधर पड़े नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला तो डब्बे में डाला। सो ये है भाई 50 शेड्स के ऑयल पेस्टल्स, जिसमें और भी कलर्स है, ताकि स्टार और से। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? शेड्स। हां, व्हाट इज दिस? कवर्स। ये टूटे फूटे है क्या? नहीं, ये कवर है, स्केच पेन। पर लेकिन ये ऐसे ही रखने के है ना? एक्चुअली yes. हाँ, ये थोड़ा सा ट्रांजिट में ना, आई थिंक ये थोड़ा सा टूट फूट गया, ये देख सकते हैं। मतलब ऑयल पेस्टल्स नहीं टूटे, बट इधर उधर इनके जो है ना, ये बॉक्स, ये बॉक्स टूट गया है। तो 50 शेड्स है इसमें, प्लस एक पेंसिल है, राइट? एंड आप देख सकते हैं स्केच। ये क्या है? ये एक टूल है जो स्क्रैपिंग के लिए यूज करती, जो मैं टिश्यू यूज करती हूँ ना, वो ऐसे ही है। ये भी मुझे उसमें भी मिला था। तो आप वो क्यों नहीं यूज करते थे? नहीं, आज ही तोड़ना है आपको, टिश्यू ज्यादा बेटर था। ओके, सो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा कलर वाला लग गया है, बट एनी वेज दैट इज ओके, चलेगा, संभाल के रखो। yeah. और अभी बिल्कुल भी यूज नहीं करना इसको,
नो नॉट दैट, अभी और पेंटिंग मत बनाओ, थोड़े टाइम बाद बनाना ओके. ये 50 शेड्स है, हम लोग रिव्यू भी करेंगे और इससे ये भी बनाएंगे ओके. और जो कलर्स आपने यूज़ नहीं किया ना, वो कलर यूज़ करना. यस, आई विल बी यूजिंग पिंक. सी दिस येलो इज लुकिंग सो नाइस, डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो. फ्लोरेसेंट येलो है, ब्लू में कितने शेड्स है, मतलब थोड़े से ही कलर के डिफरेंट शेड्स है, जैसे ऑरेंज के है, ब्राउन है, रेड है, येलो है, ब्लैक एक ही है क्या? एक ब्लैक और एक वाइट, बस एक ब्लैक और एक वाइट ही है. ब्लैक के भी कुछ शेड दे देते हैं ना, ग्रे वगैरह. हाँ ग्रे है, गोल्डन है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है. चलो ओके, चलो गाइस, तो यही मुझे दिखाना था, तो ये बर्थडे के उसमें मैं ऐड कर दूंगी. ज़ेविन व्हाट इज दिस? ज़ेविन व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट रैबिट, दिस व्हाट इज दिस? कलर्स, कवर्स. स्टारलेट इज गोइंग टू डू पेंटिंग. हेलो, होमवर्क टाइम. टू मच होमवर्क. सो स्टारलेट इज डूइंग हर ऑनलाइन ट्यूशन का होमवर्क विच इज मैथ्स, एंड स्टार का जो ऑफलाइन ट्यूशन है हिंदी का, उसकी छुट्टी चल रही है राइट? यस, हिंदी ट्यूशन की कितने दिन की छुट्टी थी? अराउंड 10-12 डेज की छुट्टी ना. तो सो क्रिसमस के पहले से लेके न्यू ईयर के बाद अब चालू होगा स्टार का ट्यूशंस. जनवरी 3rd या 4th कभी तो वो मैसेज करेंगे, तब शुरू होगा स्टार का ऑफलाइन ट्यूशन, जो हिंदी का ट्यूशन है. ऑनलाइन ट्यूशंस तो कल से शुरू हो गए थे स्टार के, तो स्टार टीचर कभी ग्रामर कभी मैथ्स करा रही है. अभी कौन सा मैथ्स करा रही है टीचर? मैथ्स में क्या करा रही है? मेजरमेंट्स शुरू कर दिए. परसेंटेज हो गया? परसेंटेज फिनिश? ओके, तो परसेंटेज फिनिश, मेजरमेंट्स शुरू. एंड ग्रामर में क्या करा रही है? ओके, सब रिविजन में शुड कैन. अच्छा अच्छा, तो बस स्टार का ट्यूशन्स वगैरह चल रहा है, और मैथ्स भी वो खुद ही कर रही है. आजकल मैं बिल्कुल देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं ज़ेवी के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, प्लस मेरा काम भी चलता रहता है ना, तो इसीलिए उसमें बिजी रहती हूँ. तो आज सुबह आपने देखा स्टार का गिफ्ट, हम बोली कहते हैं. डिड यू लाइक द गिफ्ट? एक्चुअली स्टार ने मुझसे वही मांगा था, उसको बर्थडे में ऑयल पेस्टल्स ही चाहिए थे, तो मैंने स्टार को वही बोला कि मैंने उसको ऑर्डर किया, और मुझे डिलीवरी चार्जेस भी लगे, मतलब उसका जो प्राइस था उससे ज़्यादा मुझे पे करना पड़ा, प्लस डिलीवरी भी चार्जेस लगा, बट स्टार को चाहिए था करके मैंने उसको. प्लस सब जगह यस 50 शेड्स आउट ऑफ स्टॉक थे, डॉम्स के मिल ही नहीं रहते, बट फाइनली मिल गए. अभी उसको यूज़ नहीं करना ठीक है? ओके, चलो चलो अपना. तुम अभी कर कौन सा चैप्टर का होमवर्क कर रहा है? तुम अभी डेसिमल्स में ही अटका हुआ है, अभी भी डेसिमल्स में ही अटका हुआ है. आज डेसिमल्स खत्म करना है स्टार्ट. यू हैव टू फिनिश टुडे डेसिमल्स. ओके, यू हैव टू डू परसेंटेज आल्सो राइट? परसेंटेज इज डन, सो यू हैव टू फिनिश डेसिमल्स, बिकॉज मेजरमेंट्स का भी आपको करना होगा ना. मेजरमेंट्स का भी फिलहाल दिया तो नहीं क्योंकि अभी सारे क्लास में कर पा रहे हैं. तो आपको समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ? मैं बाद में आपको ओवरऑल सब एक साथ पूछ लूंगी ठीक है? फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं आता वो नहीं आता ठीक है? वो हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. ओके, सो ये यहाँ पे पार्टी का ये यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? सो साइड में रखो. वैसे तो ये रखा हुआ है क्योंकि इसमें और भी एक्स्ट्रा हमारे पास चीज़ें बच गई थी, तो गाइज मैं बता, हाँ बलून्स वगैरह हमारे पास बच गए. ये पंप यार आया है इसके अंदर, पहले तो काम कर रहा था फिर काम नहीं कर रहा था ये पंप, पता नहीं क्यों. फिर ये जो सीरियसली फिर ये जो आया था ना आग बनाने के लिए बलून का आर्च, सॉरी हाँ बोल रही हूँ, आर्च बनाने के लिए हमने इसमें ट्राई किया, बट इसमें बहुत टाइम लग जाता है, और सेकेंडली हमें आता भी नहीं है. नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करेंगे.
बलून्स हमारे पास काफ़ी सारे बच गए, बट दीज बलून्स आर लाइक सीरियसली चीप क्वालिटी, दीज वर ब्लास्टिंग, मतलब ये ब्लास्ट हो रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो रहे थे सीरियसली, मतलब एक एक बलून जब हम फर्स्ट बलून पॉप हुआ हमें लगा कि हमारे घर के बाहर एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया सीरियसली रात को भी जब मैं लेटी थी तो एक दो बलून पॉप हुआ और मुझे लगा क्या फूटा बाहर, आई थॉट कि कोई गाड़ी वाड़ी में ब्लास्ट हो गया, बट फिर मुझे समझ में आया कि नहीं बलून्स ब्लास्ट हुए। सो यस, ये बलून्स थोड़े से मतलब ज़्यादा ही ब्लास्टी ब्लास्टी थी, आई डोंट नो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि हम लोग को डेकोरेशन करने के बाद मेरा और स्टार का मुंह बहुत जल रहा था, आई मीन आवर होल फेस वाज लाइक बर्निंग, आई डोंट नो क्यू। तो नेक्स्ट टाइम आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू ऑर्डर फ्रॉम दिस, आई विल ऑर्डर समथिंग एल्स, बट ओके इट वॉज फाइन। फ्रेजाइल वगैरह ये कौन से कंपनी का है मुझे नहीं पता, बट द कलर्स वर वेरी गुड, ब्लैक वॉज नॉट दैट ब्लैक, जब ये ब्लो हुआ तो ये ग्रे बन गया, ये थोड़ा सा और ब्लैक होता तो ज़्यादा बेटर लगता। एंड बलून गोल्ड था बट ब्लो होते हुए ये येलोइश लगने लगा, येस बट ओके फाइन। स्टार का थीम ही था ब्लैक एंड गोल्डन तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। एंड कर्टन्स वर गुड एंड गोल्ड, येस द कर्टन्स वर रियली गुड, इट एडेड अप सच ब्राइट, मतलब इतना अच्छा इफेक्ट दे रहा था ना, और स्टार के फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आए बर्थडे के, डिस्प्ले करने का। यस यस, हम लोग बर्थडे ब्लॉग में आपको डेफिनेटली, मैं वैसे तो कम्युनिटी पोस्ट डाल चुकी होंगी, अभी तक आपने देख लिया होगा राइट। तो चलो गाइज, अब मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा बहुत काम फिनिश करने के लिए, और फिर जेवियर और मम्मी डैडी आएंगे, कल का खाना रखा हुआ है, आज चाइनीज, दैट इज ओनली वी आर गोइंग टू ईट टुडे चाइनीज बनी। हाउ वाज द चाइनीज टॉयलेट? सीरियसली मतलब केरला में आने के बाद हमने इतने टाइम बाद चाइनीज अब जाके घर का बना हुआ इतना अच्छा खाया, आफ्टर 3-4 मंथ्स। यस, वैसे तो मुंबई में हमने एक दो बार खाया था, बट अच्छा चाइनीज हमने घर का कल ही खाया है आफ्टर कमिंग फ्रॉम बहरेन। एंड चलो गाइज, चलो अब लंच वगैरह करते फिर मिलते। स्टार अभी भंगार लग रही है, कल अच्छी लग रही थी, उसके बाल वाल ऐसे है। चलो अब नहाना धोना, एंड प्लस स्टार को किसी मस्कीटो ने काटा है मुंह में काटा, और स्टार ने उसको स्क्रैच कर करके फोड़ दिया मुंह में काटा है, शी जस्ट स्क्रैच्ड इट यू नो। चलो देन, समथिंग एक्साइटिंग इज गोइंग टू हैपन दिस सैटरडे, बट अभी नहीं बताएंगे आप लोगों, सैटरडे को ही बताएंगे। यस ठीक है, जब वो हो जाएगा उधर होने के बाद हम बताएंगे। यस अदरवाइज इस बार की तरह हो जाएगा, जेबी उठाई नहीं एंड वी आर लाइक पोपट। ओके गाइस चलो सी यू, आई डोंट नो अब मैं ये ब्लॉग कब कंटिन्यू करूंगी। हाय, हाउ आर यू? आर वी गुड? Are we good? Yes. Yes, Starlet is seeing all the comments of the birthday wishes. बहुत सारे comments आए birthday के, and thank you everybody जिन्होंने Star को birthday wish किया है. Thank you, बोलो. Thank you. Liking all of them. Yes, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के इतने सारे comments आए Star के birthday के लिए. तो किसी ने मुझे पूछा था स्टार कितने साल की है, तो स्टार 11 इयर्स की हो गई है अभी, स्टार 11 इयर्स की है, तो हमने इस बार उसका 11th बर्थडे मनाया है। आपने ब्लॉग तो देख लिया होगा, बर्थडे ब्लॉग, और अभी जेवियन का क्लास चल रहा है तो हम लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। जेवियन का स्पीच क्लास चल रहा है, तो उसको टीचर स्पीच के कंप्यूटर लैब में लेके गई है, तो वहाँ पर हम लोग अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग फिलहाल बाहर बैठे, तो हम लोग का थोड़ा सा ब्रेक टाइम चल रहा है इधर। तो बस बैठ के मैं वीडियोस वगैरह देख रही थी, मैंने अभी आज मैंने वो क्यूट पेन कलेक्शन का वीडियो डाला था, तो उसका कमेंट ऑफ हो गया, तो मैं अभी सोच रही हूँ मैं उसका फुल वीडियो डाल दूँगी, उसमें 2-4 पेन तो स्टार ने दिखाया ही नहीं, भूल गई थी वो, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी फिर से उसका फुल वीडियो बना के डालूँगी और आप लोगों के साथ डेफिनेटली उसको शेयर करूँगी। तो आज थोड़ा सा बिजी डे है, जेविन का क्लास, वो रात भर बहुत लेट सोता रहा, नहीं सोया नहीं वो, एक्चुअली वो बहुत जल्दी मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ गया वो 4:30 को, देन रोता रहा एंड देन फाइनली 9:00 को जाके वो सो गया और 12 बजे जाके उठा हुआ है, तो उसको नींद में ही हम लोग उठा के क्लास में लेके आए मिला दुला के खिला पिला के, तो वो थोड़ा सा मूडी है, उसका मूड थोड़ा ऑफ है ना, तो मूड थोड़ा सा तुम्हारे बर्थडे वीडियो में सबने कमेंट किया है, पूरी सबका लाइक कर दी मैं, सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा कौन सा चैनल है। ओके
सो चलो गाइज, अभी मैं देवी का वेट कर रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, बोलेंगे पागल है, अकेले अकेले खुद से बात कर रही है।